खिलाफ यह प्रतिवाद सभा है। दूसरे हमारे धंधे को बर्बाद करने के लिए सरकार ने 100% एफडीआई के जरिए जो ई कॉमर्स चालू किया है उसका खिलाफ भी हमारे ये प्रतिवाद धरना है। हमारे जो सरकार सेंट्रल में बैठे हुए हैं, मोदी सरकार जो आम जनता को धूल चखाते हुए आज 5 साल पूरा करने का पहले जो रणनीति सजाया है उसका खिलाफ भी हम लोग आज प्रतिवाद धरना मंच कर रहे हैं। आप लोग अच्छा से जानते हैं 2 करोड़ 30 लाख जो युवाओं के आज लास्ट जो फिगर कल निकला है 2 करोड़ का ऊपर युवाओं के कोई काम नहीं है। जो साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो वादा झूठा क्यों हो गया है? अभी तक 2 करोड़ 30 लाख हमारे युवा भाइयों का कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा है। हम लोग फुटपाथ जो धंधा करते हैं आप लोग जानते हैं सारा भारत में 4 करोड़ का ऊपर अभी 5 करोड़ हिसाब में आ गया है। 5 करोड़ हॉकर जो धंधा करते हैं 2,000 रुपया करके रोज अपना पूंजी लगाते हैं 10,000 करोड़ रुपया हम लोग रोज का धंधा करते हैं। पूरा फुटपाथ बसवाई हो रेहड़ी पट्टी हो और ये 10,000 करोड़ रुपया हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जो उगा करते हैं खेत में किसानों के पास घर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पीछे हम लोग छोटा छोटा जो सामान बनाते हैं वो सामान हम लोग खरीद के भारत के हर जगह में जो भारत के 90% बिलो पॉवर्टी लेवल है गरीबी का नीचे उन लोगों को हम लोग सेवा करते हैं। और इस जगह को मारने के लिए ई कॉमर्स मतलब हो रहा है मोबाइल के जरिए ऑर्डर देता है कंपनी लोगों को इंडिया में लाया है और वो लोग घटिया सामान हम लोगों को प्रोवाइड करता है, हम लोगों को आदान प्रदान करता है। इसका खिलाफ आज हॉकर का तरफ से नेशनल हॉकर फेडरेशन, नेशनल हॉकर यूथ फेडरेशन, नेशनल हॉकर वुमेन फेडरेशन, नेशनल हॉकर हैंडीकैप फेडरेशन, नेशनल हॉकर फेडरेशन का नेतृत्व में आज ये प्रतिवाद धरना कर्मसूची चल रहा है। क्या ये लड़ाई में आप साथ है? अगर साथ है तो फिर से जोर से बोलिए। साथियों बीच में जरा रोकना पड़ा, मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। अभी हमारा एक डेलीगेशन केंद्र सरकार से जो शहरी विकास मंत्री है हरदीप पुरी जी से मिलने जा रहा है जिसमें 5 लोग हैं। शक्तिमान घोष के नेतृत्व में जा रहे हैं, अनिता दास, उपेंद्र भाई, तामा दीदी, मैकेंजी दादा, उपेंद्र भाई, ये 5 लोग निकले हैं। आप इनको शुभकामनाएं दो जो अपनी बातें मनवा के आ सके। तामा दीदी, ये 5 लोग हैं, ये जा रहे हैं हरदेवपुरी जी से बात करने और अपना विज्ञापन देने। हमारी मांगे क्या है वो उनके सामने सरकार के सामने रखेंगे। तो शुभकामनाएं हमारी टीम को, आप अपना भाषण शुरू कीजिए। शक्तिमान घोष के नेतृत्व में नेशनल हॉकर फेडरेशन के जो पार गली के जा रहे हैं हम लोग पूरा समर्थन देते हैं कि हमारे मांगे हमारे नेता देश के नेता शक्तिमान घोष जी ने ये हमारे मंत्री के पास रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप लोग जानते हैं बंगाल के कहानी, बंगाल में हम लोग लड़ाई करने के बाद हम लोग का टाउन वेंडिंग कमेटी 2 जगह में बनने का ऑर्डर हो गया है और बन चुका।
जानते हैं हम लोगों का ई कॉमर्स का जो बात हम बोल रहे थे बीच में तक गए, ये कोई ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है कंपनी, 10-15 कंपनी भारत में आ गया है, 50 से ऊपर कंपनी, जो कंपनी अपना एप्स के जरिए, मोबाइल में एप्स के जरिए कोई भी सामान खरीदने के लिए ऑर्डर लेता है। और आप लोग देखे होंगे ज्यादा से ज्यादा खाने का ऑर्डर जब जाता है, इन लोगों का डिलीवरी बॉय बीच में खाना खा के फिर पैकेट पैकिंग करके वो खाना हर कस्टमर का पास भेजा जा रहा है। ये कॉमर्स, ये गंदा धंधा है जो हम लोगों को बदनाम कर रहा है। भारत में विदेश से आते हुए ये लोग भारत का नागरिक को इन लोग इंसल्ट कर रहा है, इन लोगों को तकरीबन जो तकलीफ दे रहा है उसका खिलाफ भी नेशनल हैकर फेडरेशन अपना मांगे बोल रहे हैं। ई कॉमर्स हटाओ, देश का हैकर को बचाओ, ई कॉमर्स हटाओ, देश के बिजनेसमैन को बचाओ, ई कॉमर्स हटाओ, देश के बुनियादी इंडस्ट्री को बचाओ। अगर ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारा केंद्रीय कानून परिवर्तन करने के लिए, हमारे केंद्रीय कानून के कुछ लागू धारा परिवर्तन करने के लिए मोदी सरकार ने अपना कुछ ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं, हम लोग भी इसके खिलाफ सारा देश में हम लोग लड़ेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं देश की अभी हालत क्या है, जहां पर लड़ाई का एक माहौल बन चुका है। हम लोग स्वयं को नेशनल हॉकर फेडरेशन के तरफ से भारत के सेना को सलाम देते हैं कि अगला अगर हमारे दुश्मन को एक अच्छा सबक सिखा रहा है, लेकिन इसका साथ साथ ये भी सोच है ये सबक सिखाने का जमान जमीन पर खड़ा होते हुए ना राजनीतिकरण हो ना हमारे कोई मुसीबत आने वाला दिन में आओ, इसका खिलाफ मेरी हम लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, देश का खंड जगह रखना रक्षा करना पड़ेगा। और हमें उच्च उच्चारीकरण नहीं होती चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, केंद्रीय अधिकार, केंद्रीय कानून के जो अधिकार वो संचालन के जरिए हर राज्य में सीधा सीधी कानून लागू करना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार तो से पास हम लोग मांग रख रहे हैं केंद्रीय कानून को सेंट्रल एक्ट के जरिए हर राज्य में जहां सीधा सीधी लागू करो, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना जगह में राजनीतिकरण कर रहे हैं ये कानून को विधानसभा में लागू करने का लिए। हमारे बंगाल में जो रूल्स पास हुआ है वो रूल्स में खतरनाक खतरनाक पॉइंट 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, आग जला नहीं सकेगा, खाना पका नहीं सकेगा रास्ता पे, कोई भी एग्जिट और एंट्री का पास एंट्रेंस मतलब कोई भी दरवाजा या चाहे बिल्डिंग हो, मंदिर हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, दुकानदार हो, किसी का भी एंट्रेंस का सामने आ रही है एग्जिट के सामने बैठ नहीं सकेंगे। और खतरनाक है टीबीसी में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कर दिया है, इसका खिलाफ में भी हम लोग लड़ाई जारी रखे हैं बंगाल में। हम लोग ये दिल्ली में आने का पहले भी 2 दिन पहले भी हम लोग का कलकत्ता में उजारीकरण करने आ गया था, उसका खिलाफ में भी हम लोग लड़ाई करके आए हैं। बंगाल के हर जिला में जहां जहां इलेक्शन का पहले परिवर्तन हुआ है प्रशासन में, उन लोग भी हर जिला में सीधा सीधी हम लोग का देश के शहर विकास के नाम पर उजारीकरण करने का कोशिश कर रहा है। शाहगंज पे बड़ा लड़ाई हुआ है जो भारत में तीसरा इतिहास बन गया है, स्मार्ट सिटी का खिलाफ ये उजारीकरण करने का खिलाफ हम लोग शाहगंज में लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई में जीते भी है, लेकिन अभी तक लड़ाई जारी है। रजारहाट बाईपास मोदी यादव अपनी जितना हमारे 32 जिला है, 26 से 28 जिला था और 3 जिला जुड़े हैं 31 जिला, सब जिला में कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं उजारीकरण कर रहा है प्रशासन। प्रशासन को मालूम नहीं है केंद्रीय आयन क्या है, अगर भी मालूम है नई जानकारी करने का एक बहाना बना रहा है। और गरीब हमारे होकर भाई जो हमारे भाई बहन है
अटैक किया जा रहा है, आप लोग भी केंद्रीय कानून पढ़िए, आपका अधिकार को जानकारी कीजिए, आपका अधिकार अगर आप जानकारी कीजिएगा तो आपका लड़ाई करने का बहुत सुविधा होगा। लड़ाई करने के लिए लीडरों का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप लोग ऑल इंडिया से आए सब एक एक लीडर है। ये लीडर को हम कहते हैं आज जोश भर लो, युवाओं को मैं कहता हूँ जोश भर लो, आने वाला दिन लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है, भारत में इंडस्ट्री नहीं है। जब नौकरी नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? युवाओं को, हम लोगों को उतर कर जमीन पर खड़ा होकर धंधा करना पड़ेगा। मोदी साहब ने कहा था पकौड़ा बेचो, तो हम लोग पकौड़ा बेचेंगे, और इधर आप कहेंगे पकौड़ा आप बना नहीं सकेंगे। ये विचारिता, ये जो डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, इसका खिलाफ में हमें लड़ना पड़ेगा। पकौड़ा मेरा बचने का अधिकार है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये केंद्रीय कानून कहता है सर्वे करो और उसे रजिस्ट्रेशन दो उस जमीन का जहां पर वो बैठा हुआ है, और उसे अधिकार दो, और ये अधिकार को 2.5 जमीन का जो अधिकार, ये अधिकार को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाने का सोच रहा है। अगर जमीन का बात हट जाएगा, कल हम लोगों को ये जमीन से उठाकर फेंक देगा और कहेगा जमीन तुम्हारा नहीं है कानून के अनुसार, तो आप भी बैठ नहीं सकते। इसका खिलाफ लड़ना पड़ेगा ना, युवाओं साथी को लड़ना पड़ेगा। बाप दादा ने जो बना के किया है उसके अधिकार को रक्षा करने के लिए युवा भाइयों को बहनों को लड़ाई करना पड़ेगा। वो लड़ाई से संग्राम हो, वो लड़ाई जमीन का हो, वो लड़ाई टेबिल का हो, वो लड़ाई अपने घर में भी रखना पड़ेगा जारी, क्योंकि अगर ये लड़ाई सही से नहीं लड़ सकेंगे, हम लोगों का साल का जो लड़ाई के जरिए कानून लाए हैं 2014 में यूपीए गवर्नमेंट 2 ने जो कानून हम लोगों को दिया था, वो कानून बचाने के लिए हमें ये लड़ाई जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कानून लाने के लिए जो लड़ाई किए थे उसका चौगुना लड़ाई रखना पड़ेगा कानून बचाने के लिए। अगर कानून नहीं बचेगा हमारे ये लड़ाई खत्म हो जाएगा। हम लोग कहते हैं एक जवाब चुनाव के पास, क्या आप लोग तैयार है लड़ने के लिए? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कल से ही अपना मोहल्ला में, अपना घर में अपना अपना टीम बनाइए। एक एक आदमी 3 आदमी का टीम बनाएगा और एक टीम के जरिए संगठन बनेगा, युवाओं का संगठन। हमारे टाइम ऑफ हो गया है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, उधारी करेंगे, मुझे रोटी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मेरा हकारी करने का अधिकार चाहिए। और उसका साथ साथ फिर मैं कहता हूँ, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, ईस्ट वेस्ट मेट्रो का अगेंस्ट में जो केस लड़े थे वो केस हम लोग जीते हैं। यही हमारे लड़ाई का उसूल है, यही हमारे लड़ाई के एक रिजल्ट है। इतना करते हुए मैं संचालक को अपना माइक दूंगा और हमारे बैठे हुए सभी लीडर को मैं सम्मान जनाते हुए, हमारे भाई बहन युवाओं जो बैठ कर मेरा बात सुन रहे हैं सभी को मैं नमस्कार करते हुए कहूंगा जय हिंद, वंदे मातरम।